अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद शाज़ी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और आसान चिकन कड़ाही रोल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जिस चीजों की जरूरत पड़ती है आप लोगों को बताते हैं। हाफ के जी बोनलेस में ये इस तरह से हमने काट लिया है। आप चाहें तो अपने बूचर से भी कहें काटे, और बिल्कुल इस तरह से चार पांच पीस हमने काट के इसमें ये रखा है। और इसमें पेस्ट बनाना है, जिसके लिए हमने एक टेबल स्पून हमने हरी मिर्च क्रश कर लिया है, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर है, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है। तो इसका हम ये पेस्ट बनाते हैं और आपको बताते हैं क्या करना है। एक टमाटर है हमने जो बारीक बारीक काट लिया है, अनियन इस तरह से काट ले, हरी धनिया है, इसे हम चिकन में फिलिंग करेंगे। पहले पेस्ट बनाते हैं। तो ये जो मसाला है एक बॉल लेंगे, ये सब डाल देंगे एक जगह, लेकिन इस तरह डाल दें, ये इसमें मिक्स कर लें। इस तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ऑलमोस्ट हो गया है, 1 टीस्पून और हमने डाल दिया है, 3 से 4 टीस्पून डाल दें और ये बराबर हो गया है। देखिए पेस्ट हमने बना लिया है, आपको दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले का अंदर में। तो इस तरह से पूरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। हम अभी कर रहे हैं, आप पहले भी करके रख सकते हैं। ये जो पेस्ट बनाया है इस पे डाल रहे हैं, इस तरह से पूरे में फैला दें अच्छी तरह से। ये हरी मिर्च पेस्ट जो है इसको भी हल्का सा डाल दें, इसको भी हल्का डाल दें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप हरी मिर्च नहीं पसंद करते हैं तो आप नहीं डालें। पूरी जगह पे हरी मिर्च जो है इसे आप फैला दो। तो ये जो हमने आपको दिखाया था टमाटर और हरी धनिया और प्याज, तो ये करें, टमाटर डालें ऐसे इस तरह से, फिर ये प्याज है ये भी डालें इस तरह से डालें, फिर ये टमाटर डालें, फिर प्याज डालें। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज टमाटर सिर्फ रहने दें। इसे रोल अप करेंगे तो इस तरह से करके, और इस पर हरी धनिया ये डाल दें अच्छी तरह से, क्योंकि हमने सॉल्ट तो उसमें ऐड कर दिया है, तो सॉल्ट का भी मजा रहेगा। ये बहुत अच्छा मजेदार ये है, आप बनाएं जरूर, रोल अप करें। अगर कुछ निकल जाता है तो इसे हटा दें ऐसे इस तरह से। ये करने के बाद इसे हम क्लीन फिल्म में, एक क्लीन फिल्म लें, इसके ऊपर ये डालें और इसे फिर, और इसे टाइट बिल्कुल दबे हाथ से इसे टाइट तरह से इसे पैक कर दें। ये देखिए इस तरह से यहाँ ऐसे मोड़े पैक कर दें, तो इस तरह से ये बनाए। चलिए हम पूरा सब बना के आपसे मिलते हैं। सब रोल बना लिया है, सेट करने के लिए 1/2 आवर फ्रीजर में रखते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और जब तक आपको हम अदर प्रिपरेशन के लिए मसाला जो बना रहे हैं वो आपको बताते हैं। देखिए ये 40 मिनट्स हमने फ्रीजर में रखा था, ये सेट हो गया अच्छी तरह से। अब इसे निकाल के हम इसे फ्राई करेंगे, हल्का ऑयल में फ्राई करें। तो चलिए हम पूरा खोल के इसको खोलते हैं इस तरह से। पैन लिया, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 3 ये 4। ये इसे हल्का सा गरम करेंगे, ये जो हमने रोल बनाया इसको प्लेट, इसे 3 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे कवर कर दें। और मीडियम 3 मिनट हो गया है, इसे चेक कर, 8 मिनट हो गया है, इसी तरह से इसे कवर रखें और हिलाएं, बिल्कुल हल्के से हिलाएं। 8 मिनट हो गया, अभी और कवर करते हैं, अंदर अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए। हमने 3 मिनट्स नहीं किया है, हमने 7 से 8 मिनट तक इसको कवर रहने दिया है, और उसके बाद ही पलटेंगे, इसको फ्लिप करेंगे। कुछ हो गया है, हम करीब 12 से 14 मिनट हमने इसे कवर करके रखा था स्लो आंच पे। तो चलिए अब बंद करते हैं और इसे हम प्लेट में निकालते हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया हमने, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीसेस इसका काट के दिखाएंगे आपको, जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला बना रहे हैं चिकन कड़ाही के लिए, आपको हम बताते हैं। ये एक प्याज लिया है, लार्ज प्याज ले लें, इसे बारीक काट लें इस तरह से। 2 मीडियम साइज के टमाटर है, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। और इन मसालों की जरूरत होगी, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर है, 1/2 टीस्पून क्रश चिली है, 1 टीस्पून नमक है, सॉल्ट अपने हिसाब से आप टेस्ट कर लेंगे, लेस देन 1/2 टीस्पून
टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून दही है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून गार्लिक है, दोनों पेस्ट है। इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। दूसरा पैन हमने लिया है, इसमें हमने 5 डाला है, ये हम तेज कर देंगे इसे, तेल गर्म हो जाए हल्का, इसमें अनियन डाल, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ये लहसुन अदरक डाला था, ये डाल, ये पानी थोड़ा सा देखो, 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। इसी टाइम पे ये मसाला भी डाल दें जो हमने ड्राई वाला रखा, इसी तरह से अच्छी तरह इसे चलाते रहें, टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर दोबारा पानी एक चम्मच के करीब 1 टेबल स्पून डाल, तो ये मसाला रेडी हो रहा है। 3-4 मिनट हो गया है, इस टाइम पे दही डालते हैं, फौरन से अच्छी तरह चला लें, दही को पहले ये अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें डाल, ये भी हो गया है, अब इसमें हम ये टमाटर जो पीसा था जो हमने ग्राइंड किया था ये डाल देंगे। इस टाइम पे आप नमक और मिर्च चख सकते हैं, आप टेस्ट अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको कवर कर देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये थोड़ी सी हरी मिर्च मेरे पास पेस्ट बची हुई है, 1/2 टी स्पून ये डाल देंगे, चटपटा हो जाएगा। करीब हमने 5-7 मिनट रखा, अच्छी तरह ये पक गया है, भुना गया है, तो स्लो कर दिया है, बिल्कुल लाइट बिल्कुल लो आंच पे कर दिया है, जब तक हम वो चिकन जो हमने तला था उस वो ठंडा हो गया उसे काटते हैं। आपको जितना बड़ा पीस रखना हो रखें, हम इसका 3 पीस कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ये तैयार हो रहा है, मसाले में डालेंगे, देखिए बिल्कुल रेडी है, हल्का सा पानी दे देंगे, आपके ऊपर आप जिस तरह से रखना चाहें ढीला, हम इस तरह से रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसको फिर हम थोड़ा देर चिकन को डाल के थोड़ा सा पकाएंगे, तो ये हमने करीब 4 टेबल स्पून हमने पानी डाला है इसमें, जब ये पानी ये हो जाए तो इस पर ये चिकन हम डाल देंगे और इसे थोड़ा देर के लिए कवर कर देते हैं, ये अंदर अंदर अच्छे से पक जाएगा। 3-4 मिनट इसको कवर करने दें, लो आंच पे रहने दें। देखिए इसे हमने 10 मिनट स्लो आंच पे छोड़ दिया था, बिल्कुल भी रेडी है। इसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है वो डाल दे रहे हैं बारीक क्रश करके, ये इस तरह से ये आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी होगा, मेहमान आपके ज़रूर तारीफ करेंगे, दम ज़बरदस्त है। ये इस तरह से इसमें मिर्च डाल दें और इस पर हरी धनिया ऐसे डाल दें। चलिए अब हम इसको सर्व करें, ये रेडी हो गया है बिल्कुल, अब इसको हम सर्व करते हैं। तो ये रेसिपी रेडी हो गई है, चिकन कढ़ाई रोल, आप लोग बनाएं और बताएं ये आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ये आपने अपने घर में बनाया तो ये आपके यहाँ किस तरह की रेडी हुई, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने हमको बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह ताला हम फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।